Chairman MYKK Foundation and AWK Group Companies, Mr. Abdul Wali Khan, Asfandiyar Kakar, Commissioner Quetta Division, Colonel Ishwak, Baba Sports, Atta Mahmud Kakar, and of course our senior citizen and my colleague, Mr. Malik Naeem, Ayatullah Durrani, Khawateen Hazrat, Assalamu Alaikum. ये नायत खुशगवार लम्हा और एज़ाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स के नौजवानों हीरोज़ के साथ माई स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की पुरवकार तकरीब में मौजूद हूँ। मैं MYKK स्पोर्ट्स फाउंडेशन AW और AWK ग्रुप और उनकी पूरी टीम का मशकूर हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस पुरवकार और हौसला अफजा तकरीब का इनेकाद किया जिसमें आज इन मायना सीनियर और नौजवान खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए जिन्होंने बैनुल अक्वामी सतह पर शानदार कामयाबियां हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, नए रिकॉर्ड बनाए और कौमी परचम को सर बुलंद रखा। मैं मिस्टर उमर से इत्तेफाक करता हूं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो नौजवान खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर जाके हमारे लिए अवार्ड्स लेके आए, कम से कम हम उनको बलूचिस्तान में ही तो पहचान लें। और मैं बिल्कुल ये इस चीज़ का वो हूँ कि हमने अपने इन खिलाड़ियों को इन जो हम हमारे सफ़ीर बन के बाहर गए हैं और हमारे लिए अवार्ड्स लेके आए, तो मैं मुझे शर्मिंदगी होती है कहते हुए कि हमने इनको माजी में इतनी इनकी पसीदाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए और बड़े महदूद और मुश्किल वक्त में वसाइल में और मुश्किल हालात में ये बच्चे ये नौजवान बच्चियाँ और लड़कियाँ लड़के हमारे जाके उनसे इतने सख्त मुकाबलों में हमारे लिए अवार्ड्स ले आए, ये हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है। और इस शहर ने बहुत पिछले कुछ अरसा हालात में बहुत बुरे हालात भी देखे हैं, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अरसे से जो एक दहशतगर्दगी की लहर आई थी हमारे सूबे में हमारे शहर में, वो अल्लाह के फजल से हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारी गवर्नमेंट ने ये ख़त्म कर दी है। और इस हालात में भी ये लोग फिर भी मेहनत करते रहे और पिछले दहाइयों में हमारी हज़ारा बरदरी को देवर टारगेटेड टेररिज्म के शिकार हुए और उनके बड़े काफ़ी लोग उसमें शहीद हो गए। 2008 16 अगस्त 8 अगस्त का दिन आज हम नहीं भूलेंगे जिसमें हमारे तकरीबन 50 सीनियर वकील शहीद हुए। तो और इसी काफ़ी अरसे में जब ये हालात थे तो जब टेररिज्म होगा बदमी होगी हालात को नहीं होंगे तो ज़ाहिर है उसमें स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ को हम ला नहीं सकते थे क्योंकि एक वक्त था क्वेटा में कि यहाँ फुटबॉल मैचेस होते थे, हॉकी मैचेस होते थे सारे, और जो हमारा पुराना आज जो कल जो सादिक शहीद फुटबॉल ग्राउंड है मालीबाग कहते थे, काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल वहाँ पर फुटबॉल मैचेस हमने नहीं देखे। जब हम छोटे थे तो हम जाते थे और उस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के जो मायनाज खिलाड़ी थे, कयूम चंगेजी थे, कोड़ो थे, काफ़ी इसहाक लाला थे, काफ़ी लोग थे, अब्दुल नबी जिन नबी काका जो अभी पिछले दिनों फौत हुए हैं उनको, ये सारे पाकिस्तान लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। अफसोस ये हुआ कि वाकई कि उनकी उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई उसकी तरफ से कोई ऐसी पसीराई नहीं मिले और बड़ी कसम कुर्सी की आदत में इस दुनिया से चले गए। और मैं मिस्टर अब्दुल वली का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमें इस फंक्शन में बुलाया और जब ये कह रहे थे कि आप आ जाए कि यंग खिलाड़ी हैं और उनको इनाम देना है और इंटरनेशनल ये था, उस वक्त वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे लोग इतने काबिल हैं और इतने इंटरनेशनल उसके तो ले आए। और हकीकत में इतवार का दिन भी था तो मैंने वली साहब को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर वली आपको पता है इतवार के दिन ज़रा छुट्टी का दिन होता है बच्चों के साथ घर में गुजार के, उन्होंने कहा नहीं। तो मैं अभी मुझे बड़ी खुशी हुई ये कह कर कह के कि मैं इधर आ गया हूँ और मैं अपने
जवान खिलाड़ियों से कहता हूं, कहूंगा कि फॉर यू आई वुड वॉक अ माइल। और अब चूंकि मुल्क में हालात सही हो गए हैं और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इन्होंने बड़ी मेहनत करके दहशतगर्दी की जो एक लहर थी उस पर कंट्रोल पा लिया है, तो अभी मौजूदा गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे रही है और अभी हमें स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं। जैसे मिस्टर अब्दुल वली खान ने कहा कि इस उसमें इस हालात में अभी इंशाल्लाह जो हम देख रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स जो इंटरनेशनल को लेके आए हैं, तो अभी वाकई कि कम अज़ कम हम तो ले पाकिस्तान के लोग उनको पहचान लें। मैं सिर्फ तकरीर ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात कहूँगा। लास्ट ईयर आई रिसीव्ड अ ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम पंजाब, तो दे वर लेडीज, यंग बॉय मैन एंड पार्लियामेंटेरियंस लेडीज। वन ऑफ द लेडीज सेड, सर वी वर वेरी सरप्राइज्ड टू विजिट योर सिटीज, टू द सिटी एंड वी वर इन द शॉपिंग मॉल। तो मैंने कहा व्हाट सरप्राइजिंग अबाउट दैट, तो कहते हैं सर हमने तो जब देखा कि आपकी खातून औरतें जो थी ना वो खुद शॉपिंग कर रही थी और वो अपने लिए चीज़ें खरीद रही थी। मैंने कहा यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे यहाँ पर, मैंने कहा पहले पाकिस्तान आई हूँ, तो कहती नहीं। मैंने कहा देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू वुड सी बिग आई मीन ओल्ड वुमन विद शटल कॉक बुरकास एंड देन दे वुड बी शॉपिंग फॉर द यंग गर्ल्स एंड एवरीबडी। तो कहते हैं, मैंने कहा देन यू वुड ऑल्सो बी थिंकिंग दैट स्टिल वी आर लिविंग इन केव्स। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें बीबी, आप बलूचिस्तान को और लाहौर की नज़रों से ना देखें, आप इस्लामाबाद की नज़रों से ना देखें। इफ़ यू कम टू बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज़ अ डिफरेंट, डायनामिक्स आर डिफरेंट, यस कल्चर इज़ डिफरेंट, द टेरेन इज़ डिफरेंट, लेकिन वी आर एज मच इनलाइटेंड एज यू आर एंड वी आर ओनली अंडर डेवलप्ड। हम बैकवर्ड लोग नहीं हैं, वी आर नॉट अ बैकवर्ड पीपल। और अब हमारे उसने हमारे आज की तकरीब से ये साबित हुआ कि हमारे जो बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने, हमारे बलूचिस्तान के लोगों ने हर जगह अपने फन का लोह मनवाया है और वी हैव ब्रॉट इवन इन द यूनिवर्सिटीज। फिर मैंने उस खातून से कहा, उस पार्लियामेंटेरियन से, मैंने कहा यू गो एंड विजिट अवर आई टी यूनिवर्सिटी। उस वक्त आई टी यूनिवर्सिटी दैट डे वॉज ओपन, तो मैंने कहा यू गो एंड विजिट अवर आई टी यूनिवर्सिटी, यू सरप्राइज दैट वी हैव young students, young PhDs and everything, and I would be, Manika, I would be proud to announce that our youngest PhD is a girl, she's 24-25 years and she's done her PhD from Malaysia. So, तो ये नहीं कि हम तालीम के उसमें अभी हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह स्पोर्ट्स और सब कुछ में जा रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटियों से लड़के इंटरनेशनल अवार्ड्स लेके आए हैं। तो मैं आखिर में एक ये कहता चाहूँ कि अंजुमन इस्लामिया के तावन से माय के फाउंडेशन शहर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर काम कर रही है जो काबिल तहसीन है, नाम है। उम्मीद है कि यही नई नस्ल की मुस्तकबिल और जिस्मानी और अखलाकी चेहरे से अखलाकी तरबियत का मरकज़ बनेगा। और आखिर में मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता जाऊँगा और उन सब खिलाड़ियों को जिन्होंने काबिल तहसीन है और मुबारकबाद के लायक हैं, जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल्स और लें, और हमें उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह हमारे सूबे का, हमारे मुल्क का नाम ऊंचा करेंगे। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।